हाँ देखिए अगला टॉपिक आता है यहाँ पे पार्ट एक में ही स्थिर विद्युत के चैप्टर में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम को पढ़ाने के पहले मैं आपको सबसे पहले बात आती है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने कक्षा 11 में आप सभी को पढ़ाया था। बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु के लिए मैंने आपको बताया था यदि आप एक कार के माध्यम से एक यहां से लेकर के आप जबलपुर तक की दूरी तय करते हैं, भोपाल तक की दूरी तय करते हैं, मान लीजिए भोपाल की दूरी तय करते हैं आप, तो यहां से भोपाल की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर की दूरी आप एक मान लीजिए 3 मीटर या 4 मीटर लंबी कार से करते हैं, तो 500 किलोमीटर के अपेक्षाकृत उस बिंदु वस्तु मतलब कार की जो लंबाई है उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, बहुत ही कम दूरी है। कहां 500 किलोमीटर और कहां 4 मीटर या 5 मीटर, ठीक है। तो 500 किलोमीटर की तुलना में वह जो वस्तु है मतलब कार, ये क्या कहलाएगी, बिंदु वस्तु। ये मैंने कक्षा 11वीं में आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था। उसी तरह से यहां पे है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब यह है यदि दो आवेश हों, ये दो आवेश है, ये पहला आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया, ये पहला आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। यदि इनके बीच की जो दूरी है R, इसकी तुलना में ये जो आवेश है ये नगण्य है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है R, R की तुलना में ये Q1 और Q2 ये दोनों यदि बहुत ही अल्प है, नगण्य माने जाते हैं, तो इसको Q1 और Q2 को हम क्या बोल देते हैं, बिंदु आवेश। क्या कहलाएगा ये, बिंदु आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में यदि आवेशों को नगण्य मानते हैं या आवेश नगण्य होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बिंदु आवेश, ठीक है। अब बिंदु आवेश आपको यदि समझ में आ गया, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों आवेशों की विमाएं, दोनों आवेशों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में, दोनों आवेशों की विमाएं, इसको लिख दे, दोनों आवेशों की विमाएं उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं, ठीक है। दोनों आवेशों की विमाएं Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके विमाएं जो है इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, इसे हम बोल देते हैं बिंदु आवेश। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है जैसे मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम कक्षा 11वीं में 10 पाठ में मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में मैंने आपको बताया था क्या कि किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी, किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है एफ, लगने वाला बल एफ है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह से कूलाम के नियम में यहां पर बोल रहा है इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल एफ इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, और इनके बीच की दूरी की तुलना इनके बीच की दूरी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि हम समीकरण 1 और 2 को जो मिला दें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नेतान का प्रयोग करते हैं जिसे K से प्रदर्शित करते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर 3। कूलाम के नियम के अंतर्गत सिर्फ इतना आता है, क्या बता देंगे आप, कूलाम के नियम के अंतर्गत किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी क्या है आर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हमने दोनों को मिला दिया तो
तो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का उपयोग करते हैं, जहां k माध्यम का प्रवाहकत्वांक भी कहलाता है। f बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको कर दिया आपने समीकरण नंबर 3। अब विभिन्न परिस्थितियां आएंगी, सपोज करें यहां पे विभिन्न परिस्थितियों में लेते हैं, यहां पे विभिन्न परिस्थितियां हैं, विभिन्न परिस्थितियों में सपोज करें यहां पे हो जाएगा एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में यदि हम लेते हैं तो एसआई पद्धति में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, ये जब दो बिंदु आवेश हैं इनके मध्य जो माध्यम है वो क्या है, वायु या निर्वात। जब दोनों पिंडों के मध्य लगने माध्यम जो है वायु या निर्वात है, उस स्थिति में इस k का मान जो है वो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। सपोज करें इसी में हमने निकाला एप्सिलॉन 0, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई के, 1 अपॉन 4 पाई के, इसको हमने पहचान कर लिया एप्सिलॉन 0 यहां पे आकर 1 अपॉन 4 पाई के। अब समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, ये समीकरण 3 है इसमें के का मान रखा, तो f बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यदि हमने किसका मान रखा, तो f बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको कर दीजिए आप, अगला कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि ये बल है इसलिए इसका मात्रक किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा, ये भी न्यूटन में है और ये भी न्यूटन में है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन लिख दीजिए आप यहां पे। इसके बाद सपोज कीजिए जब इतना आ गया तो स्थिति दो, ये स्थिति एक थी, ये स्थिति दो, स्थिति दो में हम ये कह सकते हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई भी परावर्तक माध्यम कैपिटल के स्थित है, तो कोई भी अलग परावर्तक माध्यम कैपिटल के स्थित है। इस स्थिति में जो वायु निर्वात का अतिरिक्त यदि मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम है, वायु पहले स्थिति में दोनों बिंदु आवेशों के माध्यम में वायु निर्वात था, दूसरी स्थिति में वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा माध्यम है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु निर्वात माध्यम वायु निर्वात है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा जब दो बिंदु आवेशों के मध्य वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा माध्यम स्थित है। इस स्थिति में जब वायु निर्वात का अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम स्थित है तो k का मान हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ये एप्सिलॉन r एक अलग कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे इसका मान चला जाएगा, इसका मान आपको मालूम है 9 गुणे 10 की घात 9 1 अपॉन एप्सिलॉन r यह आ जाएगा। अब इसके मान को भी आप रख दीजिए समीकरण, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, ये समीकरण 3 है इसमें मान रखा, ये कैपिटल एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो f बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जान क्या है, 9 गुणे 10 घात 9 1 अपॉन एप्सिलॉन r रहेगा ही q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब इतना आ गया इस स्थिति में सपोज की सपोज कीजिए आप एप्सिलॉन 0 बराबर होता है एप्सिलॉन 0 r रखने पर, यदि हमने एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या रख दिया, एप्सिलॉन 0 यहां पे यदि हमने रख दिया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यदि हमने ये रख दिया, इसको रख दीजिए आप समीकरण नंबर 5, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 में यदि एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r ध्यान में हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ना 0 रहेगा ना r रहेगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 7। इतने न्यूटन, यहां पर भी न्यूटन रहेगा और यहां पर भी न्यूटन रहेगा।
ठीक है। तो मैंने आपके सामने अभी रखा कूलम्ब का नियम, सबसे पहले मैंने आपको बताया बिंदु आवेश, बिंदु आवेश को मैंने अच्छे तरीके से यहां पे क्लियर किया, और उसके बाद मैंने कूलम्ब का नियम दोनों स्थितियों के साथ में, ये कूलम्ब का नियम था, फिर इसकी पहली स्थिति बताया आपको यहां से यहां तक, दूसरी स्थिति बताया आपको यहां से यहां तक, इन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए।